ऑपरेटर्स 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 नाम सुन के क्या लग रहा है, जो कुछ ऑपरेट करें, कुछ चीज़ों को जो ऑपरेट करे वो ऑपरेटर हो गया। जैसे ड्राइवर, जो ड्राइव करे किसी चीज़ को, ड्राइवर हो गया। तो ऑपरेटर का अगर डेफिनेशन आप देखेंगे, ठीक है, तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका यूज़ करके हम कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम ए प्लस बी करना चाहें, ए प्लस बी, तो ये हमारा एक ऑपरेशन है जिसमें एडिशन हो रहा है, और जो प्लस लगाए हमारा ये ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर? एडिशन ऑपरेटर। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे जावा में, यूनरी, अर्थमेटिक, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स, ये होते हैं यूनरी ऑपरेटर। अब जैसे सी, सी प्लस प्लस होता है ना, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस और सी में क्या डिफरेंस है? सी में जब हमने एक प्लस कर दिया तो ये हो गया सी प्लस प्लस, मतलब सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? सी इक्वल टू सी प्लस वन, जो सी पहले था उसमें एक एडिशन कर दिया तो हमारा हो गया सी प्लस प्लस। ये हो गया पोस्ट फिक्स, मतलब बाद में लगा हुआ है ये ऑपरेटर, बाद में लगा हुआ है। अगर यही हम कर देंगे प्लस प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में पता ही है, या तो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, मॉडुलस होगा, ये हो गया अर्थमेटिक। शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का रन टाइम में एनवायरनमेंट डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस होता है। आगे मैं प्रोग्राम कराऊंगा ना लैब में, इसका एक प्रोग्राम भी है, ठीक है, तो उसमें इसको करेंगे। बिल्कुल डिफरेंस होता है। प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले वैल्यू में चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप फॉर एग्जांपल आप लेते हो ए इक्वल टू टेन, ठीक है, और आप प्रिंट करते हैं ए प्लस प्लस, सॉरी ए, हाँ ए प्लस प्लस प्रिंट करते हैं यहाँ पे पहले स्टेप पे, और दूसरे स्टेप पे फिर से कर रहे हैं ए प्लस प्लस, दो बार कर दिया मान लीजिए, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू आ गई 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगी 10 और ये प्लस प्लस का एक असाइनमेंट 11, ठीक है, और इसका इफेक्ट जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम करते प्लस प्लस ए, दोनों स्टेप में प्लस प्लस ए कर लीजिए, प्लस प्लस ए, तो 10, तो हमारी ए की वैल्यू 10 थी, 10, और ये क्या प्रीफिक्स, मतलब जो चेंजेस हो रही हैं वो साथ ही साथ पहले ही हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 11, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 11 और एक और प्लस 12। तो प्रीफिक्स में पहले हो जाता है और पोस्टफिक्स में बाद में होता है। रिलेशनल ये रन टाइम में डिफरेंस क्या होता है सर इसका, मतलब कैसे टेक अफेक्ट करता है रन टाइम में? ये तो बताया आपको, ये रन जब करोगे तभी तो ये प्रिंट होंगी वैल्यूज। नहीं, रन करेंगे तब ये प्रिंट होंगे वो ठीक है सर, रन टाइम एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस होता है सर कि ये पहले ही दिखाता है और ये बाद में? नहीं नहीं, वो दिखाने में उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वैल्यू में चेंज दिखाएगा ये बस। हाँ, वैल्यू असाइन जब करता है इंक्रीमेंट वो कर लेता है प्रीफिक्स में, पोस्टफिक्स में नहीं करता, सेम लाइन में, तो उस लाइन पे नेक्स्ट वाले पे इफेक्ट डालेगा वो नेक्स्ट लाइन पे। हाँ सर, तो ये नेक्स्ट लाइन पे मतलब क्या रन टाइम में इसको मतलब बताया जाता है कि ये नेक्स्ट लाइन पे टेक अफेक्ट करना है वो? नहीं नहीं, ये तो आपके कोडिंग जब करोगे ना, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें हैं। जैसे लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, है ना। डू व्हाइल में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तब भी एक बार रन करेगा। व्हाइल में क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होगी, ट्रू नहीं है तो एक बार भी रन नहीं करेगा। वैसे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किस टाइप का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये प्रीडिफाइंड है इसको, मतलब हम नहीं करते, ये प्रीडिफाइंड है ना, ये ऑपरेटर्स प्रीडिफाइंड है। हाँ राइट सर। रिलेशनल ऑपरेटर होता है, रिलेशनल मतलब रिलेशन दिखाते हैं, है ना, इक्वल है कि नहीं है, नॉट इक्वल, नहीं है इक्वल, क्या लेस देन है, ग्रेटर देन है, रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। बिटवाइज एंड हो सकता है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज इंक्लूसिव और इसका लॉजिकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, एंड और, ये दो हैं लॉजिकल, और एक नॉट भी होता है, लॉजिकल नॉट, ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर, ये एक कंडीशनल ऑपरेटर के जैसा भी यूज़ होता है। टर्नरी ऑपरेटर इफ के अल्टरनेटिव में यूज़ कर सकते हैं,
दो कंडीशन को चेक करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू प्लस इक्वल माइनस इक्वल, ये सारे असाइनमेंट जो कुछ चीज़ों को असाइन करने के लिए यूज किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा था यूनिट 3, जिसमें हमने देखा जावा के बेसिक्स को, JVM क्या होता है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आगे हमें जो प्रोग्राम करने होते हैं उसमें दिक्कत नहीं होती।